तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अनूप भाई से, जिनका पानीपुरी का कार्ड लगता है कोरबा के टीपी नगर चौक पे। तो ये देखिए समोसा चाट भी रखे हैं भैया, और टिकिया चाट भी रखे हैं, और टिकिया वगैरह इधर रेडी कर दिए हैं। तो और भैया क्या हाल चाल? सब बढ़िया भैया। तो प्याज काट रहे हैं भैया आप? जी। तो क्या क्या रखे हैं वैसे? समोसा चाट है, टिकिया चाट है, पानीपुरी है, दही पूरी है। दही पूरी है। तो आप कितने बजे से दुकान लगाते हो तकरीबन यहाँ पे? यही समथिंग 11 बजे। और कितने बजे बंद कर देते हो? टाइम वही 7-8-9 सामान रहते तब। प्याज आप ऐसे हाथ से ही काटते हैं, मतलब वो पटरा काटते हैं? नहीं नहीं, पटरा वटरा से नहीं काटते हैं, हाथ ही से काटते हैं भैया। ये देखिए भैया प्याज हाथ से काट रहे हैं, ऐसे मैं भी काटता हूँ, वैसे भाई साहब भी काट रहे हैं एकदम सेम। और कभी उंगली में लगता नहीं आपके? हल्का फुल्का कभी कभी लग जाता है, हल्का फुल्का। फिर भी दिमाग नहीं आया कि पटरा से काट? पटरा से अपने को नहीं पोसाता है भैया। तो ये देखिए यहाँ पे ना भैया ने बड़े बड़े दो टिक्की ले ली है, जिसको अच्छी तरीके से डीप फ्राई किया गया था, और प्याज डाल दिया गया है, और अब इसकी फाइनली वो भैया चाट बनाएंगे। ये देखिए गरम मसाला डाल दिया, और ये भैया ना गरम मसाला वो एवरेस्ट का यूज़ करते हैं। ये लाल मिर्ची, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके डाला। ये जीरा का पाउडर डाल दिया, जीरा और धनिया का जो डालते हैं अपन वो वाला। ये देखिए एवरेस्ट का मीट मसाला यूज़ करते हैं, मतलब स्मेल उसमें अच्छी खासी आती होगी। और ये देखिए मटर जो है ना, मतलब बहुत सारे लोग ना मटर यूज़ करते हैं तो गर्म मतलब वो रहता है ना दोस्तों कि मटर में थोड़ा सा पानी रहता है वो वाला। ये मटर डालने के बाद खट्टा पानी डाल दिए, और देखिए उसको अच्छी तरीके से मैश किया जा रहा है अभी फिलहाल। उसको मैश करने के बाद फाइनली इनकी चाट बनके रेडी हो जाएगी। मतलब भैया का बोलना था कि जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से मैश करेंगे और मसाले को पकाया जाएगा, उतनी अच्छी चाट में टेस्ट भी आता है। ये देखो तो भैया अभी यहाँ पे मसाला बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं मटर। सबसे पहले तो आलू से पहले स्थान भैया, और ये मटर ऐड कर दिए उसमें। मसाला को अपन थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब कस्टमर के हिसाब से? हाँ, है ना। हाँ। मतलब आलू हर कोई प्याज नहीं खाता, हर कोई हर से सामान चीज नहीं लेता ना, जो जैसा बोलेगा वैसे मिल जाता है उसको। बाकी आलू अपना इधर का सादा रहेगा, और जो जैसे बोलते जाएगा इधर उसके लिए बनते जाएगा। ये सही तरीका है, मतलब एक ही बार में सब कुछ प्याज वगैरह मिक्स कर देंगे। हाँ। तो थोड़ा सा दिक्कत भी रहता है, क्या हर कोई प्याज खाता नहीं? खाता नहीं है। कोई मीठा आके बनाने बोलेगा, कोई तीखा बनाने बोलेगा, तो एक साथ में बनाना बेकार है, दिक्कत होता है। हाँ। ये मसाला रेडी हो गया आपका? मसाला रेडी हो गया। और कुछ आपको इसमें डलवाना है? मिर्ची चटनी है। अच्छा, मतलब कस्टमर के हिसाब से आप डाल? कस्टमर के हिसाब से कोई, मतलब अभी आप इकट्ठा मसाला बना दोगे और इसे मिर्ची पूरा मिक्स कर दोगे तो कुछ बच्चे लोग आएंगे तो दिक्कत होगा? दिक्कत होगा, दिक्कत होता है। तो फाइनली अब पानी पूरी हम लोग भी खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसा क्या है। दोना, अरे वाह, काफी बेहतरीन टेस्ट है भैया का। ठीक है, पानी एक नंबर है बस। कहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा खट्टा मिलता है, कहीं ज़्यादा तीखा रहता है, बस इनका ना नमक, इमली, मसाले वगैरह सभी सही बैलेंस हैं। थोड़ा पानी दे दीजिएगा भैया थोड़ा सा। हाँ, दलजीरा भी डालते हैं इसमें ना? हाँ, डाला नहीं। तो पानी पूरी खाली भाई, और चाट आपको बनते हुए दिखाते हैं, मतलब समोसा चाट अलग देते हैं और टिकिया चाट अलग देते हैं, और सबसे बेस्ट वो एवरेस्ट का मसाला यूज़ करते हैं। हम लोग तरफ ना सर्विस भी करता है, हम लोग के सूरजपुर साइड में वो वाला मसाला यूज़ करते हैं। आप लोग की तरफ आप अपने चाट में कौन सा मसाला डालते हो, या फिर आप लोग तरफ कौन सा मसाला चलता है, एक बार कमेंट करिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। डरवा दिए यार, मैं बना रहा था, डरवा दिए। बताइए, आप बताइए कैसा लग रहा है खाने में? तो आप डरवा कह दिए, आराम से बोलते। मैं डर गया भैया एकदम, सही में अचानक से एकदम। और बगल में बना रहा था, आप आगे खड़े हो गए एकदम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।